बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण इन दिनों सातवें आसमान पर हैं। एक्ट्रेस की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म कल के 28/98 बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म कर रही है। प्रभास, अमिताभ बच्चन, दीपिका और कमल हासन स्टारर इस फिल्म ने रिलीज के 13 दिनों के भीतर वर्ल्ड वाइड 900 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर दी। वहीं कल के 28/98 को मिल रही सफलता के बीच दीपिका ने रणवीर द्वारा फिल्म का रिव्यू शेयर करते हुए एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें कि रणवीर फिल्म देखने के बाद अपना सर पकड़ते नजर आ रहे हैं। बता दें कि दीपिका ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो अपलोड किया, जिसके बाद नाग अश्विन के निर्देशन को देखने के बाद रणवीर पूरी तरह से हैरान नजर आए। रणवीर इस दौरान कहते हैं, इस तरह की फिल्म देखना कोई वाकई हैरान कर देने वाला है, जहां उनका यानी कि दीपिका का कैरेक्टर प्रेग्नेंट है और वो रियल में भी गर्भवती है और ऐसा लगता है कि क्या हो रहा। वहीं दीपिका ने अपने इंस्टाग्राम पर ये वीडियो शेयर करने के साथ ही फैंस से एक सवाल भी पूछा। एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा है कि आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था, नीचे कमेंट करें। क्या आपने इस कल की 28/98 ईडी अभी तक देखी है या फिर नहीं? वीडियो में दीपिका फैंस के साथ सेल्फी क्लिक करती हुई भी नजर आ रही। वहीं हाल ही में फिल्म में दीपिका के को एक्टर साश्वत चटर्जी ने एक्ट्रेस के साथ कल के 28/98 ईडी के क्लाइमेक्स की शूटिंग के बारे में बताया। न्यू दरअसल मीडिया रिपोर्ट से दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान शाश्वत ने कहा, उनका कैरेक्टर मानस अपनी सेना के साथ संभाला पर आक्रमण करने के बाद दीपिका ने किरदार गर्भवती सुमति को बालों से घसीटता हुआ उसमें दिखाया गया था। अभिनेता ने खुलासा किया कि इस क्लाइमेक्स सीन के दौरान दीपिका रियल में प्रेग्नेंट थी और सेट पर एक्ट्रेस के पति और अभिनेता रणवीर सिंह भी मौजूद थे। वहीं कल के 28/98 ईडी की कमाई की बात करें तो ये फिल्म देश और दुनिया भर में बवाल पे है। फिल्म ने रिलीज के 13 दिनों में रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन कर लिया। सरकारने की रिपोर्ट के मुताबिक कल की रिलीज के 13 दिनों में देश भर में 529.5 करोड़ की कमाई कर दी। यह फिल्म और शाहरुख खान की पठान 544 करोड़ की कलेक्शन के रिकॉर्ड को ब्रेक करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रही है। क्या ये ब्रेक कर पाएगी या फिर नहीं, कमेंट करके बताएं। ऐसे तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें नेक्स्ट लाइव।